धर्म हूं। मेरा साथ इंसान को भयमुक्त कर देता है, क्योंकि जहां मैं होता हूं ईश्वर भी वहीं निवास करता है। अगर आप अपने जीवन में खुशियों के रंग बिखेरना चाहते हैं तो ईश्वर का साथ होना जरूरी है। आज मैं धर्म आपको बताऊंगा कि रंगों से कैसे बढ़ेगा आपके जीवन में प्रेम, जीवन में रंगों का क्या है महत्व, रंगों से कैसे अपनी चाल बदलते हैं ग्रह नक्षत्र। तो आइए आपको दिखाता हूं रंगों का चमत्कार। रंगों से रंगीन है ये दुनिया, बिना रंग सब सूना। रंग बढ़ाएंगे जीवन में प्रेम, ये दुनिया बहुत ही रंगीन है। सोचिए अगर रंग सफेद या काला होता तो शायद हमारे अंदर ऊर्जा का कितना अभाव होता। रंगों के ना होने पर हम प्रेमहीन हो जाते। ये रंग ही तो हैं जो हमारे अंदर प्रेम की ऊर्जा का संचार करते हैं। ये रंगों का ही असर है जिससे हमारे अंदर सद्भावना, प्रेम, करुणा जैसे भाव पैदा होते हैं। अलग अलग रंग हमारे जीवन पर अलग अलग तरीके से असर डालते हैं। आज हम आपको आपके जीवन पर रंगों की इस दुनिया के असर के बारे में बता रहे हैं। दुनिया में मुख्य रूप से दो ही शक्तियां काम करती हैं। ये शक्तियां हैं रंग और तरंग। इन्हीं शक्तियों से सारी सृष्टि चलती है। हर व्यक्ति और वस्तु का अलग अलग रंग होता है। हमारे शब्दों और हमारी भावनाओं का भी रंग होता है। रंगों से ही हमारा मिलन होता है। रंग ही किसी से बिछड़ने की वजह बनते हैं। रंग हमारे जीवन में प्रेम बढ़ाते भी हैं। रंग ही प्रेमियों के बीच में दूरी पैदा करते हैं। रंगों के आधार पर ही सारे ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिष काम करता है। चलिए अब आपको बताते हैं रंगों और उसका आपके जीवन पर पड़ने वाले अलग अलग प्रभावों के बारे में। सबसे पहले बात लाल रंग के प्रभाव के बारे में। लाल रंग अत्यंत ऊर्जा और शक्ति का रंग है। ज्योतिष में लाल रंग को मंगल और सूर्य का रंग माना जाता है। लाल रंग प्रेम की शुरुआत के लिए अच्छा होता है। लाल रंग प्रेम को जारी रखने के लिए अच्छा नहीं होता। लाल रंग का प्रयोग पर्दों और चादरों में करना अच्छा होता है। घर की दीवारें लाल रंग की नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में लाल रंग का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अब बात पीले रंग के प्रभाव की। पीला रंग शुभ चीजों और मंगल कार्यों से संबंध रखता है। ज्योतिष में पीला रंग बृहस्पति का रंग माना जाता है। पीले रंग का संबंध दोस्ती से है, लेकिन रोमांस से नहीं। वैसे ज्योतिष कहता है कि दोस्ती को प्रेम में बदलने के लिए पीले रंग का प्रयोग लाभकारी है। वैवाहिक जीवन में पीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेडरूम में पीले रंग का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर संतानहीन हो तो कुछ समय के लिए पीले रंग की बेडशीट बिछाएं और बेडरूम में पीले रंग के पर्दों का भी प्रयोग करें। अगर बात हरे रंग के प्रभाव की करें तो हरा रंग अच्छे स्वास्थ्य और मूड से सीधा संबंध रखता है। ज्योतिष में हरा रंग बुध का रंग माना जाता है। हरा रंग किसी भी दर्द और घाव को भरने में कारगर होता है। रोमांस में हरे रंग का प्रयोग करने से प्रेम के टूटने का खतरा नहीं होता। बेडरूम में हल्का हरा रंग दाम्पत्य जीवन में प्रेम और धैर्य दोनों बनाता है। हल्के हरे रंग का दीवारों, पर्दों और चादरों में प्रयोग करना चाहिए। नीले रंग के प्रभाव की बात करें तो नीला रंग तीव्र अध्यात्म और भाग्य से संबंध रखता है। ज्योतिष में नीला रंग शुभ शनि का रंग माना जाता है। ये रंग रोमांस में दर्शन पैदा करता है। नीला रंग प्रेमी को दार्शनिक बना देता है। अगर कोई व्यक्ति लेखक, कवि या दार्शनिक है तो वो अपने बेडरूम में हल्का नीला रंग प्रयोग कर सकते हैं। आमतौर पर नीला रंग एकाग्रता और बुद्धि का रंग है। लाल रंग प्रेम और समर्पण का रंग है। सफेद रंग शांति का रंग है। लेकिन कौन सा रंग
आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बिखेरेगा? कौन सा रंग आपको एक दूसरे की ओर आकर्षित करेगा? मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आपके सितारों का हाल, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको अपनी राशियों के बारे में जानना कितना प्रिय है। मेष, चोट की चपेट में आप आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन का योग बन रहा है, नौकरी में तनाव बढ़ सकता है। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 55। वृष, आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, अचानक कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है। करियर के मामले में आप थोड़ा गंभीर होंगे। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 74। मिथुन, किसी नई संपत्ति के क्रय करने का योग है, नौकरी और जीवन में आपको नए अवसर मिलेंगे। परिवार में तालमेल बिगड़ सकता है। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 82। कर्क, सेहत बिगड़ सकती है, यात्रा करने से नुकसान होगा। नौकरी में बदलाव की संभावना है। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 61। सिंह, परिवार में वाद विवाद हो सकता है, नौकरी में तनाव की स्थिति आ सकती है, काफी धन खर्च करना पड़ सकता है। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 70। कन्या, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, तनाव और दबाव घट जाएगा, आपका उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 89। तुला, धन को लेकर मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, किसी पुरानी समस्या की शुरुआत हो सकती है, कीमती सामान खो सकता है, ध्यान रखिएगा। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 45। वृश्चिक, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा, नौकरी में परिवर्तन और पदोन्नति हो सकती है, माता पिता से भी विवाद की नौबत आ सकती है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 63। धनु, घर के तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा, रिश्तों में उलझन पैदा हो सकती है, जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें, उनकी सेहत बिगड़ सकती है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 50। मकर, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, अचानक कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग ग्रे। भाग्य प्रतिशत 78। कुंभ, काम की स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, आपके रोजगार के प्रयास सफल होंगे, संतान प्राप्ति का योग है। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 85। मीन, संतान प्राप्ति में थोड़ा विलंब होगा, दिया हुआ धन फंस सकता है, धर्म की तरफ झुकाव बढ़ सकता है। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 70।
अब मुझे कुछ देर रुकना होगा, बहुत जल्द लौटूंगा और आपको बताऊंगा एक विशेष रंग के बारे में जिसका प्रयोग आपके जीवन को प्रेम से भर देगा, तो कहीं मत जाइएगा। जीवन के हर पड़ाव में रंगों का महत्व है। किशोरावस्था जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसमें इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। इस अवस्था में भटकाव भी सबसे ज्यादा होता है। इसलिए मैं धर्म आपको बताऊंगा कि किशोरावस्था में कौन से रंग से आपको खास तौर पर दूर रहना चाहिए और कौन से रंग से दांपत्य जीवन में रस घोल सकते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। रंगों के बिना ये दुनिया अधूरी से लगने लगेगी। मन में उठने वाले भावनात्मक ज्वार पर रंगों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। आम जीवन में हर दिन हमारा रंगों से जुड़ाव होता है, चाहे वो हमारे कपड़े हों या फिर आम दिनचर्या का हिस्सा होने वाली कोई भी घटना। हर रंग कभी न कभी हमारे जीवन में अपनी जगह बनाता ही बनाता है। लेकिन हमारे जीवन में एक रंग ऐसा भी है जिसको प्रेम का रंग कहा जाता है। वो रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग का हमारे प्रेम संबंधों पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है। चलिए आपको बताते हैं कि गुलाबी रंग हमारी जिंदगी और हमारे प्रेम संबंधों पर किस तरह का असर डालता है। गुलाबी रंग शुक्र, चंद्र और मंगल का संयुक्त रंग माना जाता है। गुलाबी रंग को प्रेम का सबसे बड़ा रंग माना जाता है। किसी के भी बेडरूम के दीवारों के लिए गुलाबी रंग सर्वोत्तम है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि पर्दे और चादरों में गाढ़े गुलाबी रंगों का भी प्रयोग करना चाहिए। गुलाबी रंग ही किशोरावस्था में बुरी तरह भटकाव पैदा करता है। किशोरावस्था में गुलाबी रंग से जरूर बचना चाहिए। गुलाबी रंग का प्रभाव किशोरावस्था में काफी भटकाव पैदा करता है, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए गुलाबी रंग से ज्यादा प्रभावशाली रंग कोई दूसरा नहीं होता है। कुल मिलाकर सभी रंग हमारे जीवन पर कई तरह से असर डालते हैं। चाहे रंगों का जीवन में आपके प्रेम संबंधों पर पड़ने वाला असर हो या फिर आपके स्वास्थ्य से जुड़ा कोई असर, मगर एक बात साफ है कि इन रंगों का सही इस्तेमाल आपको भावनात्मक रूप से मजबूत रखेगा। बातों ही बातों में मुझे पता ही नहीं चला कि अब मेरे जाने का समय आ गया। अब मुझे जाना ही होगा, लेकिन मैं कल फिर आऊंगा और आपको फिर कुछ नया, कुछ अनोखा बताऊंगा। और आईपीएल की दो नई टीमें पुणे और राजकोट के लिए ऑक्शन में आज पुणे ने 12.5 करोड़ रुपए में महेंद्र सिंह धोनी को खरीद लिया है। इसके साथ ही अश्विन अजिंक्य राणे को भी पुणे ने खरीद लिया है।